उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे प्रदेश में जगह जगह सम्मेलन में जनसभा कर रही। इसी कड़ी में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने मुजफ्फरनगर में पार्टी प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने जमकर मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा और सपा दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह दोनों पार्टियां जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही। ये दोनों ही पूंजीपतियों के हाथों में, ये सब अडानी अंबानी की सरकार है। बल्कि हम तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भाजपा का दूसरा है, बी टीम में है क्या इसमें? जब तक हिंदू हिंदू करेंगे, मुसलमान मुसलमान करेंगे, दोनों में क्या अंतर है? ये हिंदू मुसलमान के नाम पे समाज को बांटते हैं और वोट लेने के बाद में दोनों एकजुट है, कोई अंतर नहीं है। जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, चाहे अखिलेश यादव जी की, मुलायम सिंह जी की सरकार किसने बनाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाई थी, ये सब अंदर से एक खाने हैं। इसमें हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांट कर किसानों को उनकी समस्याओं से दूर कर रहे हैं, नौजवानों को समस्याओं से दूर कर रहे हैं और आपको भुला रहे हैं कि आपकी समस्याएं क्या है। हिंदू मुसलमान के नाम पर आओ, वोट दो, उसके बाद तो ये सब एकजुट है, कोई अंतर नहीं।